सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू अनदर व्लॉग। और भाई आज तुम्हारा भाई निकल चुका है आज किसी पार्टी के लिए, तो वो स्पेशल पर्सन के साथ है। बाकी आप लोग समझ ही गए हैं जो लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, तो स्पेशल पर्सन कौन है। तो भाई आज फुल जोश के साथ निकले हैं, बिल्कुल मतलब खुश हैं, क्योंकि आज हमने सोचा इतनी धूप हो रही है, कार क्यों ना निकाल लेते हैं। तो अभी कार निकाल के पहले आदित्य को पिक करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या प्लान बनाना है, और फिर जाएंगे भाई वहीं पर। और बाकी आज धूप काफ़ी तेज है, अभी हमारा भाई गया है, तो भाई आज हम सज धज के बिल्कुल ऑल सेट होके अपनी वॉच तक नहीं भूले हैं, क्योंकि आज भाई इतने दिनों बाद मिल रहे हैं इस वजह से तभी। और बाकी आप लोगों को आगे का दिखाते हैं कि कैसा क्या माहौल हो रहा है, इतनी ज़्यादा धूप है। भाई मैं सोच रहा हूँ बंदे बाहर कार कैसे चला लेते हैं, मतलब सॉरी बाइक कैसे चला लेते हैं, बाकी इतनी ज़्यादा धूप हो रही। बाकी आप लोगों को एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ कि यार आप लोग कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। बाकी मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है कि मैं आप लोगों को अच्छा व्लॉग नहीं दे पा रहा हूँ, इस वजह से लग रहा है आप लोग भी मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं दे पा रहे हैं। बाकी मैं कोशिश अपनी अब करूँगा कि आप लोगों को बेस्ट व्लॉग और काफ़ी लंबा व्लॉग दूँ, क्योंकि मेरे व्लॉग काफ़ी दिनों से छोटे आ रहे हैं, क्योंकि भाई कुछ काम की वजह से। और भाई अब बिल्कुल मैं यहाँ पर समझ लो, एक नहीं होता कि बाहर जाके एकदम से आना थोड़ा बहुत अच्छा सा नहीं लगता, तो अब बिल्कुल सेटल हो चुका हूँ भाई वापस से हरदोई में, तो आप लोगों को अब अच्छे से अच्छे व्लॉग मिलेंगे। और बाकी अभी हम आदित्य के वहाँ चलते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं, बाकी आप लोगों को आगे का दिखाते हैं कि आगे कितनी ज़्यादा धूप हो रही है भाई लोग। तो भाई देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा धूप हो रही है, लोग मतलब एकदम मतलब समझ लो तब भी इतनी ज़्यादा धूप में भी लोग कैसे, अपना कैमरा पहले साफ कर लेते, थोड़ी बहुत फिंगर्स लगी हैं। तो बाकी ये देख रहे हो इतनी तेज धूप में भी लोग कैसे पता नहीं घूम लेते हैं। भाई मेरी बस की बात तो नहीं, जब से मैं गांव आया हूँ, बताओ गांव से आने के बाद मुझे यहाँ की धूप बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं हो पा रही मुझसे यहाँ की धूप बर्दाश्त। बाकी चलिए अब लखनऊ चूंकि हम लोग पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पर भाई अगर पुलिस वाले होंगे तो देख लेंगे कहीं चालान ना काट दे कि एक हाथ से फोन अरे ऊपर से सीट बेल्ट नहीं, तो आराम से यहाँ से भैया अपने निकाल लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को डायरेक्ट आदित्य के वहाँ पर मिलेंगे। और सॉन्ग भी बचा लेते हैं क्योंकि आज ऑक्स केबल भी लाए हैं जो कि सॉरी यहाँ पर रखी है, तो बाकी यहाँ से चलते हैं। भाई ये देख रही है अपनी इतने दिनों बाद वॉच भी मिल गई है। फाइनली गाइज हम आदित्य के वहां भी एंटर हो चुके हैं। तो भाई अभी वाला ट्रक वाला देख रहे थे कितना गंदा चला रहा है, भाई यहाँ पर वन बस एक ही व्हीकल वाली वो है ना, इसलिए बाकी आदित्य के पास चलते हैं और पहुंच ही गए हैं, तो यहाँ पर हम साइड को दे देते हैं, उसके बाद यहाँ तो भाई यहाँ पर वेट करते हैं आदित्य के आ जाने का। बाकी इसके मैं दो पार्ट कर दूंगा क्योंकि मेरे पास बैकअप बिल्कुल भी खत्म हो चुका है, बाकी आदित्य का वेट करते हैं। तो आदित्य भाई यहाँ पर आ चुके हैं गाइस, इस बंदे को खोलूं या ना खोलूं, वो सॉरी ये लॉक खराब हो गया। ये आदित्य भाई फाइनली व्लॉग में आ चुके हैं, ये लो पैसा निकालो छोले भटूरे। तो गाइस यहाँ पर अपने साथ आदित्य भाई जुड़ चुके हैं जो काफी दिनों बाद, वैसे सिनेमा चल रहा है, चलना माय मन इज माय मन, क्या बात कर रहे हैं, अरे वो क्या है, अरे चल रहा है, वो कह रहा है हमको बता तो रहे हैं, कह रहा है मुझे, मैं क्या बोले जा रहा हूँ गाइस आप लोगों से, अरे ये ढीली है यार, वो उल्टा करके लगा ये वाली पिन उसमें लगाई है। तो भाई यहाँ से निकल चुके हैं और जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन पे जहाँ पर हमको जाना है। बाकी पीछे देख लेते हैं कोई भी नहीं है तो गाड़ी को टर्न कर सकते हैं गाइस। और बाकी आप लोगों को मैं ये बात बता दूं कि मैं कुछ दिनों में टकला होने वाला हूँ क्योंकि मेरा मन है मेरा भी मन है, इतनी गर्मी में भैया मैं ऐसे नहीं रह पाऊँगा, मन कह रहा है कि टकला हो जाओ यहाँ पर, इनसे ऑक्स केबल नहीं चल रही है। तो भाई यहाँ पर हम आ चुके हैं अभी धर्मशाला रोड पर, बाकी यहाँ पर इतना ट्रैफिक है आप लोग देख ही सकते हो, मतलब इन लोगों को लग रहा है धूप नहीं लग रही है। अब आदित्य भाई सोच रहे होंगे आज खाली आदमी तो नहीं जो घर में बैठेगा, डैश के बोर्ड पे कड्डी रखे हैं,
वो ताऊ जी चला रहे। तो भाई यहाँ पर हॉस्पिटल है, इस वजह से यहाँ पर ज्यादा भीड़ लगती है, और हमें लगा क्यों यहाँ पर भीड़ लगी है तो इस वजह से। बाकी आदित्य भाई कुछ कहना चाहोगे? इनके गाने नहीं बज रहे ना, इस वजह से नाराज भाई। इसका पता नहीं आज ही ऑक्स केबल भी खराब होना था, तो अभी जा रहे हैं अमन के यहाँ ऑक्स केबल लेने के लिए। उसको लेके बाद में हम लोग निकल जाएंगे सीधा अपनी लोकेशन पे। लोकेशन बट लोगों के लिए वो लगना चाहिए लोकेशन है। तो भाई यहाँ पर अपने भैया जी आ चुके हैं, अमन भाई। और ब्रो व्हाट्सअप ब्रो, चलोगे शाहजहांपुर? बरेली? अरे शाहजहांपुर सारा मौडा। अरे मजाक ना करो, सही बताओ कहाँ जा रहे हो? अरे यार पालपुर है, पालपुर। पालपुर जा रहे हैं। कहाँ गए? दावत है। वे सेफ टाउन पालपुर में। किसकी होती है? तुम्हारी मुंडन है एक दो बार। तो सही में जा रहे हो? हाँ। कितने बजे तक आओगे? आ जाएंगे 3 बजे तक। जिम के टाइम तक आ जाना। अबे आ जाएंगे तब तक। चलोगे? यही बंदे चाहिए गाइस, यही बंदे चाहिए। ठीक है ठीक है। तो भाई आप लोगों को एक चीज दिखा दे, ये रही अपनी मेन मतलब मेन जगह जहाँ पर सिनेमा चौराहा। नहीं कल था, ठीक है तो कल सब बंद था। तो भाई यहाँ पर मतलब लोगों को शॉपिंग करना जरूरी है भाई, इतनी धूप में ये लेडीज लोग क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर सारी लेडीज ही दिख रही है, देख रहे हो भाई लेडीज अलग अलग। अरे मतलब यार वो बुजुर्ग थोड़ी होती है। अरे हाँ ये सही बात बोले हो यार भैया जी। तो यहाँ से अब हम लोग पहुँचने वाले हैं, और बाकी पीछे कोई मार हमको परेशान कर रहा है, मन तो कर रहा है ठोक दे, बट कोई दिक्कत नहीं है। उसका भी मूड खराब होगा जैसे मेरा खराब हो रहा। तो यहाँ पर भाई मैंने एक्सीलेटर से अपना पैर हटा दिया, देख रहे हो गाइस कितना टैलेंट हमारे में आ गया है। आदित्य लो चलावा के चला तो ले चला तो लेते ही थोड़ा बहुत। मन नहीं है। ओके गाइस चला लेते, बाकी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं बहुत जल्दी। थारा भाई जोगेंद्र कोचिंग ज्वाइन करना, जिसको मिलना हो वो आके कोचिंग के बाहर मिल ले आके। यही ना, ये कौन बोलते हमारे राव साहब। भाई जहां हमको जाना था वो यहां से काफी दूर है, और हम लोग यहां पर मतलब वहां पर जगह नहीं थी कार खड़ी होने के लिए, तो यहीं पर हम यहां इतनी दूर आए। अब यहां से पैदल ऑटो या करवाना पड़ जाए हम लोगों को, इतनी दूर पे आए भाई। यार दो के बारे में क्या कहना है। तो भाई पीछे देख रहे कोई है तो नहीं, वहां पर पार्क कर देंगे चुपचाप। इतनी दूर बस यहाँ ठीक है, बस यहाँ। यार साला जीती भाई, तुम्हारा भाई जोगेंद्र आ चुका है रोड पे, कैसा लग रहा है? मतलब कार वहाँ पार्क करके अब पैदल यहाँ से जाना मुझे ज्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पर भैया पार्किंग का कुछ भी है नहीं। तो बाकी इन लोगों को कुछ कहना इसलिए बंद कर रहा हूँ, डायरेक्ट वहीं मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है इसलिए। फाइनली गाइस वी आर एंटरिंग दिस, एंड देखते हैं भाई कैसा अंदर का माहौल। चुका जो कि ये रहा, और ये अपने बड़े आदित्य भाई। चलो वो जो बारे ढूंढे जिनमें चाहत की हो। यहां से हम लोग अब मतलब निकल रहे हैं, अभी चलते हैं धनु भाई की उठाते हैं और चलते हैं हाईवे पॉइंट पे, चाय हाई मारेंगे। चल पा नहीं चलो जब, तो यहाँ से आप डायरेक्ट कार के पास वापस स्टार्ट करेंगे। तो लग रहा होगा झूठ बट ऐसा कुछ नहीं, ये देख रहे हो भाई हम लोग पैदल जा रहे हैं अपनी कार के पास। बताओ वहाँ पर रेस्टोरेंट है, और यहाँ से इतनी दूर जाते हैं पैदल, पार्किंग का कोई वो सीन नहीं है, इसलिए भाई यहाँ से पैदल जाके कार की ये रही मेरे हाथों में, जो कि अभी चल के भैया बैठेंगे, एसी ऑन करते हैं फुल और फिर बढ़िया से घूमेंगे। कर दिया। तो यहाँ पर भाई अपनी खड़ी है कार जो कि ये रही की, और इसको ऑन कर। मार रही है भाई, भाई कैसा लग रहा गाड़ी में? अगर हम लोग थोड़ी देर और बैठे रहे तो आमलेट बन जाएंगे। पीछे गाड़ी और यहाँ से निकलते हैं। बैठा है खिड़की पे तेरी।
और भाई यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं और सॉन्ग सुनते हुए जाएंगे और अभी व्लॉग को बस थोड़ी देर और शूट करेंगे और ये वाला व्लॉग को हम एंड कर देंगे और दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर देंगे। जो दोस्तों के साथ फन करेंगे वो दूसरा मतलब कल व्लॉग डालेंगे। ये वाला व्लॉग मैं सोच रहा हूँ यहीं पे एंड कर देता हूँ क्योंकि काफी ज्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा, है ना आदित्य? तो व्लॉग एंड आज आदित्य करेंगे, करो भाई। तो चलो ये अपना फोन उठा लिया। तो भाई इसी इस व्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग बंद करके दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ।